सरकार के दावे और कोशिश के बाद भी प्रसदीय विद्यालय की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी विभाग सफेद हाथी बना हुआ है और बच्चों का, खासकर गरीब बच्चों की पढ़ाई पर सवालिया निशान बना हुआ है। आजमगढ़ मुख्यालय में एलवेल में प्रसदीय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। यहाँ चिराग तले अंधेरा है। जिस परिसर में खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र का कार्यालय है, उसी परिसर के चार क्लासरूम में एक जूनियर हाई स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम और प्राइमरी स्कूल समेत चार प्राथमिक विद्यालय संचालित है और यही नहीं, तीन आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी में चलता है। इसके बाद भी इसमें कुछ कक्षाओं में जर्जर छत के चलते बच्चों पर हमेशा गिरने का खतरा बना रहता है। खंड शिक्षा अधिकारी के सामने ही विद्यालय का भवन है और उसी भवन के नीचे प्राथमिक विद्यालय, ऊपर जूनियर हाई स्कूल संचालित है, जहां विद्यालय में बच्चों के लिए सरकार द्वारा प्राप्त भोजन, स्वच्छ पानी, शौचालय और अच्छे वातावरण होने चाहिए, लेकिन इन व्यवस्थाओं से ये विद्यालय वर्षों से वंचित चल रहा है। जूनियर हाई स्कूल के प्रभारी शकुंतला राय के अनुसार पहले तल पर जर्जर छत के चलते कई बार खतरा हो गया है। बच्चे बाल बाल बचे सीढ़ियों पर भी चढ़ना कठिन हो गया था। इसके साथ ही जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 6 से 8 तक को भूतल पर एक कक्षा में कर दिया गया है। इसी कक्षा में भी छत की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चों के सामने सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। वहीं एक ही कक्षा में तीन क्लासें लगने से स्थिति और खराब हो रही है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रधानाध्यापक भी क्लास के बाहर गलियारों में ऑफिस चला रही है। मैडम का कहना है कि कई दिक्कतें हैं जिसके बारे में अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। स्कूल संचालित है, एक जूनियर है, एक प्राइमरी है और दो प्राइमरी में शिफ्टेड विद्यालय है। चलने लायक तो चार ही हैं और चार भी बहुत चलने लायक नहीं है, वो भी खराब ही स्थिति है, देखे हैं आप, और चल रहा है किसी तरह से। एक क्लास में कितने क्लास चल रहे हैं? एक ही कमरे में तीन क्लास चल रहा है, 6-7-8 होती हैं आपको? बहुत दिक्कत होती है। अब एक ही कमरे में तीन क्लास कैसे पढ़ाया जाए? मैं बाहर ही बैठती हूँ, दो लोग अंदर बैठती हैं, वो भी पढ़ाने में एक साथ दोनों क्लास को पढ़ाने में, बोल बोल के पढ़ाने में दिक्कत होती है, बच्चे सुन नहीं पाते हैं और यही कारण है कि बच्चों की संख्या कम हो जा रही है हमारे यहाँ। 7 विद्यालय नहीं हैं, 2 विद्यालय वहाँ चूंकि जूनियर और प्राइमरी पहले से चल रहे हैं और नगर क्षेत्र के 2 और जर्जर भवन थे, उन बच्चों को उसमें शिफ्ट कराया गया है और आंगनबाड़ी केंद्र, 3 आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पर चलते हैं। वहाँ थोड़ी जगह की कमी है, वहाँ पर चूंकि खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी चल रहा है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अपने कार्यालय के पास उसको स्थापित करा दें जूनियर हाई स्कूल पलनी में, जिससे वहाँ पर बच्चों को जगह मिल सके। और नगर क्षेत्र में थोड़ी समस्या है, बहुत सारे भवन हमारे जर्जर हैं, इसके जीर्णोद्धार के लिए योजना जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई गई है और गेल के माध्यम से हम लोग उसका जीर्णोद्धार कराएंगे। इसके लिए एस्टीमेट बन गया है और उसके लिए नगर पालिका को निर्माण एजेंसी नामित किया कराया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही उसका जीर्णोद्धार होगा विद्यालयों का, जिससे सभी विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो सकते हैं।